नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही बताएंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज खासतौर से हम बात करने वाले हैं गेहूं, अरहर, प्याज, लाल मिर्च और अरंडी की, और इसके साथ ही कई अलग अलग जिन्सों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की खास खबर के साथ। गेहूं की सरकारी खरीद जोरों पर, 13 मई तक 361 लाख टन से ज्यादा की गेहूं की खरीदारी हुई। आइए अब आपको बताते हैं विस्तार से। गेहूं के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वहां पर सरकारी खरीद गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर काफी अच्छे स्तर पर की जा रही है, और इसका जो असर है आगे आने वाले दिनों में मंडियों में इसके भाव पर भी देखने को मिल सकता है। बता दें आपको कि 13 मई तक के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 361 लाख टन से भी ज्यादा की गेहूं की सरकारी खरीद की जा चुकी है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सरकार ने इस साल गेहूं के लिए जो समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, उस समर्थन मूल्य पर किसानों से भारी मात्रा में गेहूं की खरीद हो रही है, और इस खरीद का असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, और अधिकतर मंडियों में भाव इसी स्तर के करीब है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 19 मई को गेहूं का भाव रहा 1,900 रुपए, जो कि 20 मई को भी 1,900 रुपए पर ही टिका रहा। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 19 और 20 मई को गेहूं की खरीद 2,400 रुपए पर हुई। मध्य प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की काला पीपल मंडी में भी दोनों दिन गेहूं की खरीद फरोख्त बिना किसी फेरबदल के हुई। यहां 19 और 20 मई को गेहूं का भाव रहा 1,751 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की खातेगांव मंडी में गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। 19 मई को यहां गेहूं का भाव रहा 1,908 रुपए, जो 20 मई को 57 रुपए बढ़कर 1,965 रुपए हो गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में भी इस दौरान गेहूं के भाव में तेजी दर्ज हुई। यहां 20 मई को इसका भाव 50 रुपए की तेजी के बाद 1,750 रुपए से 1,800 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में बीते दो दिन गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ की आजमगढ़ मंडी में 19 और 20 मई को गेहूं का भाव रहा 1,975 रुपए। साथ ही लखीमपुर मंडी में गेहूं 1,975 रुपए के स्थिर भाव पर बिका। किसानों से सरकार द्वारा गेहूं खरीद की बात करें तो इस साल भारी मात्रा में खरीद हो रही है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार 19 मई तक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से 361 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक पंजाब से 132.10 लाख टन, मध्य प्रदेश से 106.34 लाख टन, हरियाणा से 82.71 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 24.66 लाख टन, राजस्थान से 13.32 लाख टन और बाकी खरीद अन्य राज्यों से हुई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से गेहूं के निर्यात में बढ़ोतरी भी हुई है, और 20 लाख टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात हुआ है। गेहूं का निर्यात बढ़ने का भी असर मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। आइए अब रुख करते हैं दूसरी सुर्खियों की ओर। बता दें आपको कि दलहन के निर्यात में हुआ अच्छा खासा इजाफा, लगभग 19% की बढ़ोतरी की गई दर्ज। प्याज की पैदावार में बढ़त का अनुमान, लगभग 34 लाख से अधिक की बढ़त का अनुमान जताया गया है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि अगर हम पूरे देश भर में दलहन की बात करें तो इसके निर्यात में काफी अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है, और अभी तक काफी अच्छी परिस्थितियां भी बनी हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 19% तक की बढ़ोतरी इसके निर्यात में दर्ज की गई है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार पर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अरहर के बाजार भाव में बदलाव आ सकता है। किस तरह का रहेगा इसका बाजार, आइए जानने के लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। देश में दलहन की उपज बढ़ने की वजह से मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान दलहन का निर्यात बढ़ा है, और इसका असर कृषि उपज मंडियों में खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है।
एकमार्क नेट के अनुसार बीते दो दिनों के दौरान गुजरात की जम्बूसर मंडी में अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 19 मई को इसका भाव रहा 6000 रुपए, जो कि 20 मई को भी 6000 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की गाजियाबाद मंडी में 19 मई को साबुत अरहर की खरीद 6080 रुपए पर हुई। इसके अगले दिन यानी 20 मई को इसका भाव 20 रुपए की तेजी के बाद 6100 रुपए पर हो गया। यहीं की महोबा मंडी में भी अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 19 मई को अरहर का भाव रहा 6500 रुपए, जो कि 20 मई को 10 रुपए की बढ़त के बाद 6510 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की दुधानी मंडी में भी अरहर के भाव में चमक दर्ज की गई। यहां 19 मई को इसका भाव रहा 6470 रुपए, जो कि 20 मई को 30 रुपए बढ़कर 6500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। केरल की पलक्कड मंडी में दोनों दिन अरहर के कारोबार में स्थिरता पाई गई। यहां 19 और 20 मई को इसके सौदे 11600 रुपए के भाव पर हुए। वहीं कर्नाटक की हुबली मंडी में गुरुवार को साबुत अरहर 4010 रुपए पर बिकी। दलहन निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 19% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिटा के मुताबिक 2020-21 के दौरान देश से 2,76,000 टन दलहन का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 2,32,000 टन का निर्यात हुआ था। मंडियों में भी ज्यादातर दलहन सरकार के तय किए गए समर्थन मूल्य के ऊपर बिक रही है और इसका भी असर अरहर के भाव पर पड़ सकता है। तो जान लिया अभी आपने अरहर के बाजार के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में आम के बाजार भाव का कैसा रहा हाल। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आम का भाव रहा 4500 रुपए, वहीं गुजरात की मनसा मंडी में इसका भाव रहा 1000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में आम के सौदे हुए 6200 रुपए पर, वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में आम की खरीद हुई 5000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में आम के सौदे हुए 2600 रुपए पर। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में आम के जो बाजार भाव हैं वो किस तरह से दर्ज किए गए। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। इतना प्यार करती है मुझसे, कहो तो जान दे दो। I love you, कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे? बच्चा होने वाला था उसे? बड़ी आई है गर्भ सने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको किसान भाइयों बहनों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीएपी की जो कीमत है उसमें भारी उछाल आया है, लेकिन इसका जो असर है हमारे देश के किसानों की जेब पर नहीं पड़ेगा। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने खाद सब्सिडी में भारी भरकम इजाफा किया है। बता दें आपको कि उन्होंने डीएपी खाद सब्सिडी में 140% का भारी भरकम इजाफा कर दिया है। आइए इसी संदर्भ में आपको एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें खाद कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस प्रकार डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसे 1200 रुपए के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है। प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है। हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई है। इसी कारणवश एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपए है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपए की सब्सिडी घटाकर 1900 रुपए में बेचा जाता है। आज के फैसले से किसानों को 1200 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलता रहेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आइए बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में पपीते के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 6,000 रुपए, यहीं की पालमपुर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 5,100 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पपीते का कारोबार हुआ 2,200 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में पपीते का भाव रहा 2,650 रुपए और यहीं की सहारनपुर मंडी में पपीते के सौदे हुए 2,260 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पपीते के बाद आइए अब आपको जानकारी देते हैं बुलेटिन में अनार के बाजार भाव की। बता दें आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में कैसा रहा इसके बाजार भाव का हाल। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की, तो अनार का भाव यहां पर रहा 15,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 11,500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में अनार की खरीद हुई 5,000 रुपए पर, तो वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में अनार का भाव रहा 5,820 रुपए और यहीं की सुल्तानपुर मंडी में अनार का भाव दर्ज किया गया 7,950 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में अनार के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर लाल मिर्च के बाजार की। बता दें आपको कि विदेशी बाजारों में लाल मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मांग में लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से 2,64,000 टन से ज्यादा लाल मिर्च का निर्यात हुआ है, जबकि बता दें पिछले साल की समान अवधि के दौरान 2,46,000 टन निर्यात हुआ था। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 20 मई को लाल मिर्च का भाव रहा 33,000 रुपए और केरल की अरूर मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदे हुए 16,100 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है, तो जान आपने कि किस तरह से कारोबार हो रहा है देश की अलग अलग मंडियों में लाल मिर्च के बाजार को लेकर। बिल्कुल इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाजरे के बाजार की। वेलकम टू 100 करोड़ का कवे, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफे और कलम दबा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है पर, जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है। आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं, बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि, देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं बाजरे के बाजार के बारे में। बता दें आपको कि हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो इसकी प्रमुख उत्पादक राज्यों वाली मंडियों में इसकी जो आवक है वो सामान्य दर्ज की गई। वहीं बात अगर इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें कि देश की अलग अलग मंडियों में इसका जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किया गया। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में बाजरे का जो भाव है वो दर्ज किया गया 1,750 रुपए। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे की खरीद 1,232 रुपए पर हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में बाजरा 1,300 रुपए पर बिका। बाजरे की पैदावार की बात करते हैं तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में बाजरे की पैदावार 1,03,00,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1,03,60,000 टन की रही थी। तो जाना आपने कि बाजरे का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में, आपको जानकारी देते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव के बारे में और जान लेते हैं कि अलग अलग मंडियों में कैसा रहा इसके बाजार भाव का हाल। सबसे पहले आपको यहां पर बताएंगे हम छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी का हाल, तो यहां पर शिमला मिर्च का भाव रहा 1,800 रुपए। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे हुए 1,500 रुपए पर, जबकि
राजस्थान की जोधपुर मंडी में शिमला मिर्च का कारोबार 1,500 रुपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 1,350 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ लेते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं गोभी के बाजार भाव के बारे में। और यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की। तो यहां पर गोभी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,100 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसका भाव रहा 1,250 रुपए। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में गोभी की खरीद हुई 1,000 रुपए पर। और वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इसके सौदे यहां पर दर्ज किए गए 1,100 रुपए पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,200 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में गोभी का बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अरंडी के बाजार की। और बता दें आपको कि अरंडी का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में साल तिलहन की पैदावार में 40,92,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। अरंडी की उपज की बात करें तो इस साल अरंडी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,76,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। अरंडी के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को आंध्र प्रदेश की कर्नूलू मंडी में अरंडी का भाव रहा 4,049 रुपए। वहीं बता दें आपको गुजरात की दहेगाम मंडी में इसका भाव रहा 5,072 रुपए। और यहीं की अगर हम जम्बूसर मंडी की बात करते हैं इसके सौदे हुए यहां पर 4,000 रुपए पर। और बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने कि अरंडी का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में पालक के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। तो यहां पर पालक का भाव रहा 2,250 रुपए। यहीं की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 1,200 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में पालक का भाव रहा 920 रुपए। तो यहीं की मथुरा मंडी में इसके सौदे हुए 740 रुपए प्रति क्विंटल पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल और इसके साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।